I used to learn Bharatanatyam those days, and I used to give Bharatanatyam performances when I was 7 years old. तो इसलिए मुझे तब से याद है, उस वक्त से मुझे था कि फिल्मों में काम करना है. नॉट व्हेन आई वाज 7, थोड़ी जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे लगा कि नहीं, फिल्मों में काम करना है, काम करना है. सो एक इंसान को एक चीज़ करने का जुनून होना चाहिए, तभी वो कुछ कर सकता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है. इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी, क्योंकि मैं कोई 50-60 साल पहले नहीं आई थी. उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती थी. जब मैं आई थी बहुत सारी लड़कियां थी उस वक्त, श्रीदेवी, मैं और रामेश्वरी दीप्ति नवल, हम लोग सब एक कैटेगरी में आए थे. तो इतना डिफिकल्ट नहीं था. जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए पेपर में आया था कि स्टूडेंट्स के लिए, तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया था. तो आई वॉज स्टिल इन स्कूल, तो आई वॉज लिटिल हेजिटेंट मिलेगा या नहीं. लेकिन जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का था, वहाँ पे फ्रॉम ईच स्टेट यू हैव टू टेक वन स्टूडेंट. तो फ्रॉम आंध्र प्रदेश आई वॉज लक्की टू हैव, आई वॉज ओनली वन, सो आई वॉज लक्की. तो मुझे एडमिशन मिल गया. उसके बाद फिर बॉम्बे आने के बाद मैं देव साहब से मिली. उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, जीनत अमान जी की बहन का रोल. तो उसके बाद उसके 1 साल बाद फिर मैंने चित्तौड़ किया. देन आई वॉज वर्किंग. मैंने अपने बहुत सारे फोटोग्राफ्स में लेकर गई उनके पास, तो उन्होंने कहा कि नो आई डोंट हैव टू सी योर फोटोग्राफ्स, योर फोटोजेनिक. और बिलीव मी, उन्होंने मेरी एक भी फोटोग्राफ नहीं देखी एंड ही साइन मी. और आज का दौर इतना बदल गया है, एक छोटे से रोल के लिए भी इतने सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, इतना सारा स्क्रीन टेस्ट होता है. थोड़ा सा जो उस जमाने के डायरेक्टर्स के आंखों में जो कैमरा था, आज के डायरेक्टर्स के आंखों में नहीं है. आई एम सॉरी डायरेक्टर साहब जो भी हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, क्योंकि इतने सारे स्क्रीन टेस्ट लेते हैं, इतना कुछ करते हैं. आई मीन एक इंसान को देखकर ये नहीं पहचान पाते कि वेदर शी कैन एक्ट और शी कैन डांस. खैर डांस तो करके देखना पड़ा, दिखाना पड़ता है, लेकिन उस जमाने के डायरेक्टर्स में ये काबिले तारीफ वाली बात ये है कि देव साहब ने खुद कहा कि आई डोंट हैव टू सी, आई कैन सी यू गॉट अ फोटोजेनिक फेस. मेरी पहली फिल्म थी इश्क इश्क इश्क, देव साहब की थी. मैं जीनत अमान जी की 5-6 बहनों में आई प्लेड वन ऑफ द सिस्टर सिस्टर्स इन दैट मूवी. उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी, शबाना आजमी, मैं, बहुत सारे और काफ़ी लड़कियां थी. शबाना शी प्लेड देव साहब्स गर्लफ्रेंड इन दैट, एंड आई आई प्लेड जीनत अमान जी सिस्टर. खैर मुझे उस वक्त मुझे मालूम, बिजनेस का मुझे कुछ नहीं मालूम, कोई फिल्म चली है नहीं चली है, मुझे आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड. मुझे सिर्फ मेरा यही था कि मुझे फिल्मों में काम करना है, बस दैट्स इट. काशी में मैंने 6 फिल्मों में एज एज हीरोइन मैंने काम किया उनके साथ. बहुत अच्छा जमाना था उस वक्त. जैसे भी चित्तौड़ के लिए जब मुझे बुलाया गया था, तो 3 लड़कियां थी स्क्रीन टेस्ट के लिए. आज 3 में से 1 को सेलेक्ट किया गया, 1 वीक के अंदर ही पता चल गया था. और यहाँ पे एक रोल के लिए 200 लड़कियों को लाइन में बिठा के रखते हैं. समटाइम्स यू सी यू फील बैड. आई मीन एनी वे, अभी तो स्कोप ज़्यादा है, टेलीविजन भी है, बहुत सारे सीरियल्स भी बनते हैं. उस ज़माने में सिर्फ फिल्में ही बनती थी, तो इसीलिए लोगों को लगता था कि यार फिल्मों में काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. आजकल उतना डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज नाउ इज टेलीविजन इज़ देयर. एंड इन फैक्ट लेट मी टेल यू, जो फिल्मों में काम करते हैं उनसे ज़्यादा तो टेलीविजन वाले कमा लेते हैं. सो आई थिंक दे शुड नॉट फील बैड, दे शुड वर्क इन टेलीविजन ऑल्सो. ऑपोजिट, बिकॉज एक्चुअली लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैं कभी इतना सोचकर नहीं आई. मुझे सिर्फ एक ही शौक था कि मुझे फिल्मों में काम करना है. उसका नतीजा क्या होता है या उसको कितनी सक्सेस मिलती है कितनी सक्सेस नहीं मिलती, उसका मुझे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना मैं सोच कर आई हूँ, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. आज इतने साल हो गए, मोर देन 35 ईयर्स, आई एम स्टिल वर्किंग. और क्या चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए. अवार्ड्स मिलने में एक आर्टिस्ट की कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. ये नहीं कि जिनको अवार्ड नहीं दे रहे हैं वो बुरे एक्टर हैं, ऐसी बात नहीं है. इसमें पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस को भी मिलती है, जो पॉपुलर नहीं है उनको नहीं मिलता है. जो भी है, वॉट एवर इट इज, ये भी एक शो बिजनेस का एक पार्ट है. फिरंदा के लिए मुझे फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था. तो अवार्ड मिले या ना मिले, नॉमिनेशन तक जाना भी बहुत बड़ी बात है. उसमें एक्चुअली लड़की बहुत सिंपल लोअर मिडिल क्लास की है, जिसको काम करना है, घर चलाना है, भाई को पढ़ाना है. वो चक्कर में उसको एक अपने से बहुत ज़्यादा उम्र वाले इंसान से शादी करनी पड़ती है, जो कि अमीर है. फिर
फिर है, इट इज नाइस सब्जेक्ट, आपने यू मस्ट हैव सीन इट. आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन इन इट. वेरी, इट वॉज वेरी नेचुरल, डाउन टू अर्थ, एंड एनी बडी कैन आइडेंटिफाई विद दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. सो ऐसा था कि हाँ, ये छाया जो है वो मैं हूँ, बिकॉज उसमें मेरा नाम छाया होता है. तो छाया जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अपने घरों को पालती हैं, आई मीन फैमिलीज को, फैमिलीज की देखभाल करती हैं. तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो उस वक्त उस रोल के साथ आइडेंटिफाई भी कर पाई हैं, होंगी शायद. हाँ, आज भी मैं टेलीविजन कर रही हूँ. मुझे अच्छा लगता है, टेलीविजन करो या फिल्में करो, मुझे का एक आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट आई कैन से वेदर यू वर्क इन फिल्म्स और इन टेलीविजन, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू वर्क एंड डू योर मेकअप एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी. डजेंट मैटर वेदर आई एम वर्किंग इन फिल्म्स और फॉर टेलीविजन, आई एंजॉय बोथ. या आई एम डूइंग वन फॉर डीडी नेशनल के लिए, एक जिंदगी एक भंवर, आई एम प्लेइंग पॉलिटिशियन इन दैट सीरियल. वेरी सेंट्रल कैरेक्टर, बहुत अच्छा है. हर 2-4 साल के बाद, हर 1 साल के बाद जो भी है, चेंजेस तो आ रही हैं. जैसे पहले टाइपराइटर था, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, अभी कुछ और, अभी हाथों में हर हर एक के हाथों में कैमरा भी होता है, हर एक इंसान फोटोग्राफर बन गया है. सो ये चेंजेस तो आती हैं, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने में भी लोगों का टेस्ट भी बढ़ता, चेंज होता जा रहा है. तो जब कोई मिलते, जरीना जी कितनी अच्छी फिल्मों में आप काम करते थे, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं? अगर ऐसी फिल्में बनती हैं तो चलती नहीं है, तो ऑडियंस का देखने का रवैया भी बदल गया है. तो आजकल जो भी फिल्में बनती हैं या डांस नंबर्स बनते हैं, तो उस टाइप के इंसान दे स्टार्टेड लाइकिंग इट, दिस दे आर एंजॉयिंग इट. सो ये तो बिजनेस है. पहले फिल्में बनाना एक आर्ट था, अभी तो ये बिजनेस है. फिल्में फिल्में नहीं रही, अभी फिल्म का माध्यम एक बिजनेस माध्यम है. मैं अच्छे दौर में काम करके अच्छे दौर में मैं निकल गई. अब मुझे नाउ आई डोंट हैव टू वर्क, आई वॉन्ट टू वर्क, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. दोज डेज मुझे काम करना ही था, क्योंकि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. आज भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं काम करती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क. सो अभी आज मैं, इतने सालों के बाद मैं काम करती हूँ, आई गेट, आई एम, मेरी सीनियरिटी के हिसाब से मुझे बहुत इज्जत मिलती है इंडस्ट्री में, आई एम वेरी हैप्पी. जब हम काम करते थे उस वक्त इंडस्ट्री थोड़ी सी प्यारी सी थी, उस वक्त भी वी हैड अ लवली टाइम. एग्जैक्टली, मुझे जब साधना जी का देहांत हो गया था, तो मुझे किसी ने फोन किया, जरीना जी आपको कैसा लगता है? मैंने कहा कि जब तक वो थी, किसी ने पूछा नहीं कि क्या है, उनको ये भी नहीं पूछा कि वो जिंदा है या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है. जैसे उनका देहांत हो गया, पूछते कि उनकी जगह कोई ले सकता है? अरे कोई यहाँ किसी की जगह ले नहीं सकता, लेकिन जब जो इंसान जब जिंदा है, तो उसको उस वक्त उसकी इज्जत और उसको जो दे सकते हैं उस वक्त दो ना, मरने के बाद आप उनकी जगह कोई ले सकता है या इनकी जगह कोई ले सकता है? आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. इंसान जब तक जिंदा है, उसकी आप कदर कीजिए. मैं तो यही कहूँगी कि बस भगवान उसको स्ट्रांग रहे, वो अपना काम अच्छे से करें और अच्छा बिहेवियर रखें. बस आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई हार्ट.